इसका थोड़ा सा बेसिक हमने क्लास 10 में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, और इसका डेफिनेशन क्या हुआ करता था रिडॉक्स रिएक्शन का, याद है किसी को डेफिनेशन? हाँ, अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, उसको हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन क्या होता है ये भी पढ़े थे, रिडक्शन क्या होता है ये भी पढ़े थे, क्या क्या डेफिनेशन पढ़े थे पहले रिकॉल करते हैं, और इस बार जो नई डेफिनेशन पढ़ना है फिर वो पढ़ेंगे। तो तीन डेफिनेशन पढ़ते थे, एक की ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, या ऑक्सीजन के अलावा, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन के अलावा कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का भी एडिशन अगर होता है तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे, और रिडक्शन उसका ऑपोजिट होता है। तो जहां आप गेन ऑफ ऑक्सीजन बोल रहे हो यहां क्या बोलते थे? लॉस ऑफ ऑक्सीजन या एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये पहला डेफिनेशन हम पढ़ते थे। ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन पढ़ते थे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो तो खैर दोनों है, या फिर एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी कि मेटल्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब मेटल्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब नॉन मेटल्स। ठीक है, इन द सेम वे यहां अपोजिट हो जाएगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन या एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये दूसरा डेफिनेशन था हमारा। तीसरा डेफिनेशन था ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ये तीन डेफिनेशन हमने क्लास 10 में पढ़ी है, और जिस रिएक्शन में ये दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं उनको हमने रिडॉक्स कहा। ये डेफिनेशन था रिडॉक्स रिएक्शन का। ये तो इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डेफिनेशन हो गया, पर अगर मैं रिडॉक्स की बात करूंगा तो ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों चीजें एक साथ हो रही है साइमल्टेनियसली उनको हम रिडॉक्स बोल रहे थे। एंड में हमने ये भी कंक्लूड किया था कि इन केमिस्ट्री सारे रिएक्शन रिडॉक्स हैं, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा ना, कुछ नहीं तो इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन तो हर रिएक्शन में होता है, कोई ना कोई स्पीशीज होगा जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा और कोई होगा जो गेन कर रहा होगा। अभी तो अपन बोलते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कि इलेक्ट्रॉन जितने लूज हो रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन गेन हो जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इज नाइदर लॉस नॉर क्रिएटेड। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, पानी गिर रहा है बाहर। ठीक है, तीनों डेफिनेशन, एक एग्जांपल भी हमने पढ़ा था, जैसे कि फॉर एग्जांपल ZnO plus C gives Zn plus CO, इस टाइप का एक एग्जांपल हम पढ़ते थे क्लास 10 में, कि जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज किया है तो जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ है? रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन ना, रिडक्शन। ठीक है, एंड कार्बन ने ऑक्सीजन गेन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना तो इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन ZnO इज रिड्यूस्ड टू Zn एंड कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ रहे हैं रिएक्शन? फिर हम यहां पे एक और चीज पढ़ते थे, एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करेंगे दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और जो रिडक्शन में हेल्प करेंगे दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। यानी कि इस रिएक्शन में कार्बन ने जिंक ऑक्साइड से उसका ऑक्सीजन लिया है, राइट, ताकि जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो सके, तो कॉपर क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। या फिर यू कह लो कि जिंक ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन कार्बन को दे दिया ताकि कार्बन ऑक्सीडाइज हो सके, तो उस केस में जिंक ऑक्साइड क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन शॉर्ट, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, और जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिडक्शन एजेंट नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट्स। समझ रहे हैं? तो इतना हमने कंसेप्ट 10th क्लास में पढ़ा है अबाउट रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ रहा है यहां तक? तो रिविजन है 10th क्लास पर, है ना? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन आप इसके हिसाब से लिख सकते हो, ऐसा कोई जो ऑक्सीजन निकाल ले या हाइड्रोजन सप्लाई करे या इलेक्ट्रॉन सप्लाई करे, हाइड्रोजन डोनर या इलेक्ट्रॉन डोनर, उनको हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स। जस्ट उल्टा डेफिनेशन, समझ रहे हैं? और ऐसा जो ऑक्सीजन दे सके,
हाइड्रोजन निकाल सके या इलेक्ट्रॉन निकाल सके उनको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। क्लियर है? ठीक है, तो इनको शॉर्ट में लिखते हैं जो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा है, फिर अपन नया डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, ठीक है, बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर, एक और टॉपिक पढ़ेंगे अपन। चलिए लिखेंगे हेड नाली रेडॉक्स रिएक्शन, हाँ चैप्टर है, फिर लिखेंगे इसका डेफिनेशन लिखेंगे पहले। रिडॉक्स रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच, रिडॉक्स रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, नीचे ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन लिखना, सब हेडिंग डालना ऑक्सीडेशन, एकदम शॉर्ट में लिख रहे हैं इसको, है ना, जो अपना पुराना पोर्शन था, ऑक्सीडेशन हाइफन डाल के लिखेंगे। इट इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, or any other electropositive element. इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, दो डेफिनेशन हो गई ना, ऑक्सीजन वाली भी हो गई, ये वाली है ना, विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एक और अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व, तीनों डेफिनेशन एक साथ लिखते हैं, और अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स loss of electron. Examples likho niche. Mg plus O2 gives MgCl2, Mg plus Cl2 gives Mg Cl2, H2S plus O2 gives S plus H2O, Ki plus H2O plus O3 gives KOH plus I2 plus O2. Na gives Na positive plus electron. MnO4 2 negative gives MnO4 1 negative plus electron. एक और, ठीक है,
चलो सबसे पहले ऊपर वाले डेफिनेशन, ऊपर वाले रिएक्शन में क्या हो रहा है, एमजी में ओ एड हो रहा है। हमने चार डेफिनेशन, तीन डेफिनेशन लिखी है ना, ऑक्सीजन वाली, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वाली, हाइड्रोजन के रिमूवल वाली, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के रिमूवल वाली एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली। ये सारे एग्जांपल्स लिख दिए सबके। तो पहले वाले में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एमजी में हो रहा है, जो मैंने अंडरलाइन किया है उस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। यहां क्या हुआ है, सीएल एड हुआ है। सीएल एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नॉन मेटल। तो यहां पे हुआ है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, थर्ड में क्या हुआ है, H2S से S बना, यानी कि हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है। तो यहां हुआ है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और यहां क्या हुआ है, KI से K रिमूव हुआ है, और K क्या है, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, मेटल, पोटेशियम, सोडियम। तो यहां हुआ है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। और इन सभी एग्जांपल में क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देख रहा ना, Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तब तो Na पॉजिटिव बना, वरना इसके पहले तो सोडियम के पास 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन थे ना, बराबर था, इससे तो न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं था। पर इलेक्ट्रॉन के लूज होने के बाद अब 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया ना, तो वो एक प्रोटॉन ऐसे दिखाएंगे चार्ज पे। ठीक है, कोई दो लूज किया होता तो 2 पॉजिटिव चार्ज होता। ठीक है, डन, जिनका हो गया वो रिडक्शन की डेफिनेशन लिखो। ये पूरा ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन करके हमने उसके एग्जांपल लिखे सारे, अब रिडक्शन की डेफिनेशन खुद से लिखो पूरी। इट इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, और तीनों और करके लिख लेना तीनों डेफिनेशन। इट इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और थर्ड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिख पाएंगे,
ये डेफिनेशन लिखने के बाद तीनों ये सारे एग्जांपल्स जैसे उसमें लिखे थे, जाने वाला था। कितने जुलाई पूरा महीना भर जुलाई, तो वहां से ऑनलाइन तो ज्वाइन कर सकता है अगर कुछ। जहाँ लाइव कैसे करेगा, सॉरी तो 12 घंटा का डिफरेंस है, इसमें 6 घंटा हो गया क्या? नेक्स्ट स्लाइड डालेंगे दोनों एजेंट्स के बारे में, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, इन दोनों को भी डिफाइन कर लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। लिखेगा डेफिनेशन, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट, इसका एक और नाम है ऑक्सीडेंट, OXIDANT, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट इज अ सब्सटेंस विच सप्लाइज ऑक्सीजन, इज अ सब्सटेंस विच सप्लाइज ऑक्सीजन, कहीं लिख रहे ना ये सप्लाई करेगा तो सामने वाला गेन कर लेगा, सामने वाला का गेन हुआ मतलब ऑक्सीडेशन हो गया उसको, सब्सटेंस विच सप्लाइज ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूव्स हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, removes hydrogen or any other electropositive element. और एक और लास्ट क्या आएगा, तो रिमूव्स इलेक्ट्रॉन ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीडेशन हो ही गया ना, तो कोई इससे इलेक्ट्रॉन निकाल ले और रिमूव्स इलेक्ट्रॉन, और रिमूव्स इलेक्ट्रॉन, फुल स्टॉप। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आफ्टर कैरिंग आउट ऑक्सीडेशन, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आफ्टर कैरिंग आउट ऑक्सीडेशन, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट after carrying out oxidation is itself reduced.
ये पे बात की ना कि जिसका रिडक्शन होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो वो खुद इलेक्ट्रॉन कर उसने लूज कराया है सामने वाले का, उससे खींचा है ना, तो खुद ने गेन भी तो किया है, तो अब अल्टीमेटली उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है। चलो ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट को भी डिफाइन कर लो एक पैराग्राफ में। इसको ऑक्सीडेंट बोल रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, रिडक्टेंट, REDUCANT, रिडक्टेंट। रिडक्टेंट TANT करके एंड करना ना। ये क्या होगा, ये ऐसे सब्सटेंस होंगे जो हाइड्रोजन सप्लाई करेंगे या कोई भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का सप्लाई करेंगे या ऑक्सीजन रिमूव करेंगे या एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव को रिमूव करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे, और ऐसा करने पे वो खुद क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडेंस। हो गया, सही लिख रहे हो ना भाई सार्थक? अब जो चौथी डेफिनेशन हमको पढ़नी है ना रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की, उसके लिए एक टॉपिक हमें पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। तो हिंट डालिए, ऑक्सीडेशन नंबर, इसको समझते हैं पहले, फिर एक नया डेफिनेशन पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऐसा नेम सजेस्ट कि ऑक्सीडेशन होने के बाद जो उसका नंबर होगा, जैसे कि Na ने जब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था तो वो क्या हो गया था, Na पॉजिटिव हुआ ना, तो उसका चार्ज आपको क्या दिख रहा है, प्लस वन, ये उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, या आप उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। जब मैग्नीशियम ये काम करेगा तो मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, प्लस टू प्लस। समझ रहे हैं क्या? अब कई बार क्या होता है, कुछ हमारे पॉली एटॉमिक आयन होते हैं जैसे सल्फेट, तो ये जो टू नेगेटिव आपको दिख रहा है ये कंबाइंड का चार्ज है ना, सल्फर और ऑक्सीजन का मिला करके चार्ज है, यानी कि यहाँ पे सल्फर का चार्ज अलग होगा और ऑक्सीजन का चार्ज अलग होगा, आप जब सबको ऐड कर दोगे तो यू विल गेट माइनस टू। समझ रहे हैं? तो इनके इंडिविजुअल चार्जेस को या इंडिविजुअल स्टेट को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। सिंगल इलेक्ट्रॉन को दिख ही रहा उसका चार्ज जो है वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, पर अगर कंबाइंड फॉर्म में है तो हमें अलग अलग दोनों का नंबर्स निकालना पड़ेगा, वो उसके लिए अपन रूल्स देखेंगे कि हम क्या रूल्स यूज करके इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं। ऐड हो करके माइनस टू आना चाहिए, नॉट जस्ट इन आयंस, अगर मैं वाटर भी लिखता हूं H2O तो यहां भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अपना खुद का एक चार्ज है, तो फर्क क्या है दोनों में, इन चार्जेस को ऐड करने पर माइनस टू आया और इन चार्जेस को ऐड करने पर प्लस टू, कहां से जीरो, इससे कुछ चार्ज थोड़ी ना है, ये तो मॉलिक्यूल है ना, जितने भी कंपाउंड्स हैं दे आर न्यूट्रल, दे हैव जीरो चार्ज, बट आयन का तो चार्ज होता है ना, तो OH नेगेटिव, तो ये वन नेगेटिव H का थोड़ी ना है, कंबाइन करके वन नेगेटिव है, कैसे आया होगा ये वन नेगेटिव, ऑक्सीजन का क्या होता है माइनस टू और हाइड्रोजन का होता है प्लस वन, एड होके देखो माइनस वन आएगा, है ना, ऐसे ही आप सल्फर और ऑक्सीजन का अलग अलग एड करोगे तो यू विल गेट माइनस टू, ये तो आयन हो गए, जो हमारे मॉलिक्यूल उनका चार्ज जीरो होता है, तो आप हाइड्रोजन का प्लस वन
और इसका माइनस टू एड करोगे तो यू विल गेट जीरो. वन माइनस टू नहीं करना है, हाइड्रोजन दो है ना, तो टू इंटू प्लस वन प्लस टू माइनस टू क्या आएगा, जीरो. तो इनके इंडिविजुअल चार्जेस को हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स उनका. समझ रहे हैं क्या डेफिनेशन लिखा ऑक्सीडेशन स्टेट की, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन करेंगे, लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट मे बी डिफाइंड एज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट मे बी डिफाइंड एज द चार्ज, डिफाइंड एज द चार्ज विच एन एटम ऑफ द एलिमेंट हैज, चार्ज विच द एटम ऑफ द एलिमेंट हैज, एटम ऑफ द एलिमेंट हैज इन इट्स आयंस, एटम ऑफ द एलिमेंट हैज इन इट्स आयन. जैसे यहां पे सल्फेट में एस और ओ अपने अपने एटम्स हैं, अपने अपने एलिमेंट के एटम्स हैं ना, एस सल्फर एलिमेंट का एटम है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन एलिमेंट का एटम है, तो इनके खुद के कुछ चार्ज होंगे अपने आयन में. इनका आयन तो टोटल सल्फेट आयन है जिसका ओवरऑल चार्ज माइनस टू है, बट इनके खुद के तो कुछ चार्जेस होंगे ना, उनको हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं. ठीक है, क्या लिखे, एटम ऑफ द एलिमेंट हैज इन इट्स आयन और अपीयर्स टू हैव, और अपीयर्स टू हैव, और अपीयर्स टू हैव व्हेन प्रेजेंट इन द कंबाइंड स्टेट, और अपीयर्स टू हैव व्हेन प्रेजेंट इन द कंबाइंड स्टेट, और अपीयर्स टू हैव व्हेन प्रेजेंट इन अ कंबाइंड स्टेट विथ अदर एटम, विथ अदर एटम, विथ अदर एटम. ये इंपॉर्टेंट है विथ अदर एटम, है ना, कि सामने वाला कैसा है, विथ अदर एटम फुल स्टॉप. ऑक्सीडेशन नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट्स, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ऑक्सीडेशन नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट्स. हाँ जयती, कुछ बोल रहे हो, मैसेज कर दो बेटा, फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए. ऑक्सीडेशन नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ठीक है, कुछ रूल्स हैं डिटरमाइन करने के लिए कि कैसे आप सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, तो एक सब इन डालना, रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर्स, रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर्स, रूल्स फॉर असाइनिंग. देखो हम क्या बोल रहे हैं ज्योति, ध्यान देना, जब मैंने आपको ये सल्फेट लिखा तो ये जो टू नेगेटिव आयन है ना, ये टू नेगेटिव सिर्फ सल्फर का या सिर्फ ऑक्सीजन का नहीं है, इट इज अ कंबाइंड चार्ज ऑफ ऑल द फाइव एलिमेंट्स, फाइव एटम्स, सॉरी एलिमेंट दो हैं, सल्फर एंड ऑक्सीजन, और टोटल एटम कितने हैं, सल्फर का एक और ऑक्सीजन का चार. इन पांचों एटम का चार्ज को जब हमने एड किया तब जाके माइनस टू आया, तो इनके जो इंडिविजुअल चार्जेस हैं उनको हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं. और ये एक्चुअली असाइन कैसे होते हैं हमें पता, देखो सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर के कंपैरिजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो क्या होगा, ऑक्सीजन जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है समझना, यहाँ पे एक्चुअली यूनिट नंबर थ्री का पार्ट है, हमने उसको भी नहीं पढ़ा है. इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है ये टेंडेंसी होती है एलिमेंट की, एटम की, कि वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. शेयर्ड पेयर मतलब क्या होता है, अपने कार्बन कंपाउंड्स को पढ़ा ना, वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बनती है जहां पे शेयरिंग होती है, यानी कि सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में भी शेयरिंग होगी क्योंकि दोनों ही नॉन मेटल है. आयनिक बॉन्ड पढ़े हैं ना, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है. कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और एक ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करके आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं, जैसे कि NaCl में होता है. ध्यान देना NaCl में क्या होता है, 11 एंड 17 ये होता है इनके एटॉमिक नंबर्स. तो सोडियम के पास आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास आखिरी शेल में सात, इसको एक छोड़ना है इसको एक लेना है, तो इनका तो परफेक्ट मैच बैठ रहा है. तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन जाएगा, Na
पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन गेन करके सीएल नेगेटिव, दोनों के बीच में आपस में अट्रैक्शन होगा क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस हैं और ये बन जाएगा NaCl। इस टाइप के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको हम? आयनिक बॉन्ड, क्योंकि आयंस के बीच में बॉन्डिंग बन रही है, करेक्ट। पर यहां तो अच्छा मैच बन गया था कि एक को लूज करना था, दूसरे को गेन करना था। अब इन दोनों में दोनों ही नॉन मेटल है, दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए। कैसे दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए? सल्फर के पास 2.8.6 और ऑक्सीजन के पास भी 2.6, दोनों को दो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोनों में से कोई भी लूज करने से तो रहा, तो क्या करेंगे? दोनों आपस में शेयर करेंगे ये इलेक्ट्रॉन। सल्फर बोलेगा कि मैं सामने रखता हूं, दो इलेक्ट्रॉन तुम भी सामने रखो। अब ये चार मेरे भी हैं और ये चार तुम्हारे भी। इसको कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग, जिससे क्या बनती है? कोवेलेंट बॉन्ड, जो आपने क्लास 10th में कार्बन कंपाउंड्स में पढ़ा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अभी यहां क्या बन रही है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड, एक पेयर, एक बॉन्ड में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दो पेयर है ना आप, तो डबल बॉन्ड बनेगी दोनों के बीच। अब ऑक्सीजन सल्फर से ज्यादा नॉन मेटालिक है, ऑक्सीजन सल्फर से ज्यादा नॉन मेटालिक है, तो इससे क्या होगा? ऑक्सीजन इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। सेम हैपेंस इन वाटर ऑल्सो, देखना ध्यान देना इधर। वाटर में भी जो बॉन्ड बनती है वो कोवेलेंट होती है। कैसे? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसको एक चाहिए दोनों को और इसको इसको दो चाहिए, तो ये तो लूज नहीं करेगा ना ये लूज करेगा, तो अगेन वापस में आपस में दोनों की बात होगी और क्या करेंगे दोनों? शेयरिंग। तो ये एक पेयर को, एक इलेक्ट्रॉन को आगे रखेगा, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को आगे रखेगा, ये दोनों भी अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन को आगे रखेंगे। अब ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसका भी है, ये वाला इसका भी है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर इसके भी है। सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, सबके पास 8-8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन के पास भी 8 हो गए, हाइड्रोजन के पास डुप्लेट हो रहा है, 2-2 हो गए, तो इनकी बॉन्ड क्या हो गई? कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको भी अपन? अब इसमें ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, मतलब मैंने तुम्हारे साथ बात करके शेयरिंग तो कर ली, पर अब मैं तुमको धोखा देने वाला हूं। क्यों? क्योंकि मैं ज्यादा पावरफुल हूं। मैं पहले ये बोला कि दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन, ये मना कर दे कि नहीं मुझे भी तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं कैसे लूज कर दूंगा। ये भी वही बोला कि मेरे को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं कैसे लूज कर दूंगा। तो अब ये क्या किया? बोला मैं शेयरिंग पहले करवाता हूँ फिर खींच लूंगा। तो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, शेयरिंग हो गई, पर आगे में जाके ये धोखा दे दिया। क्यों धोखा दिया? क्योंकि इसकी टेंडेंसी है, इसकी आदत है, ये लालची है। ये इसका तो शेयरिंग से काम हो रहा था ना, पर इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इसने अपनी तरफ खींचा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसको, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इसलिए इसने ऐसा किया। और इससे क्या होगा? इसको पार्शियल नेगेटिव चार्ज मिलेगा और इसको पार्शियल पॉजिटिव। कंप्लीट पॉजिटिव क्यों नहीं मिला या कंप्लीट नेगेटिव क्यों नहीं मिला? क्योंकि कंप्लीटली लॉस और गेन नहीं हुआ है, पार्शियली हुआ है। अभी भी वो शेयर कर रहा है इसके साथ, बस ये कि अब ये अपने तरफ ज्यादा रख लिया है। Am I clear? तो यहां भी ना सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में यही होने वाला है, तो उससे ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्जेस मिलते जाएंगे और सल्फर को पॉजिटिव चार्जेस मिलते जाएंगे। ऐसे एक और ऑक्सीजन, एक ही ऑक्सीजन थोड़ी ना है, ऐसे चार ऑक्सीजन और है। तो यहां भी ऑक्सीजन होगा, यहां भी ऑक्सीजन होगा, और यहां भी घेर लेगी उसको चारों तरफ बेचारे सल्फर। वो तो बेचारा कर रहा था ना शेयरिंग, उन्होंने क्या किया? शेयर करके इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लिया, उससे उन चारों ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्जेस मिलेंगे, -2, -2, -2, -2, और सबके कारण उसको +2, +2, +2, +2। समझ रहे ना? इस टाइप का कुछ इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगा। बट देखो, हर में -2 नहीं हो सकता, क्योंकि उतने तो सल्फर के पास भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। समझ रहे हैं? हर के साथ वो डबल बॉन्ड बना सकता है क्या? हाँ, दो ही के साथ बनाएगा, दो के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा, है ना? तो दो से उसको टू पॉजिटिव मिलेगा और बाकी दोनों उसको क्या देंगे? 1-1 पॉजिटिव। अब समझे क्या हुआ? जैसे यहां पर क्या हो रहा था वाटर वाले में, इसने इससे खींचा तो एक नेगेटिव इसको मिला, तो एक पॉजिटिव उसको मिला, इससे भी खींचा तो एक और नेगेटिव मिला, इसको एक और पॉजिटिव मिला। वहां पे क्या हो रहा है? सल्फर बीच में डबल बॉन्ड दो ऑक्सीजन का बनाया, बाकी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन का बनाया, तो इनसे क्या मिलेगा? +2, +2, इसके बाद क्या मिलेगा? +1, +1। समझे क्या? इस तरीके से बॉन्डिंग हो रही है। तो सल्फर का खुद का चार्ज है, ऑक्सीजन के खुद के चार्जेस है, एड करने पर क्या आएगा? -2। तो जो इंडिविजुअल के चार्जेस है ना, उसी का ऑक्सीडेशन नंबर है।
मतलब वो उसके साथ कंबाइन किया तो उसकी क्या हालत हो गई, वो क्या बन गया, प्लस वन प्लस टू माइनस वन माइनस टू, वो क्या बना, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि वो किसके साथ कंबाइन हो रहा है। एम आई क्लियर? ये देख के ना फ्लोरिन आया ऑक्सीजन के पास कि भाई तू दादागिरी कैसे दिखा रहा है। फ्लोरिन बोला मैं तेरे से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं और तू सल्फर क्या ऐसा दादागिरी दिखा रहा है। जब ऑक्सीजन के सामने फ्लोरिन आ जाएगा ना तब ऑक्सीजन भी पॉजिटिव हो जाएगा, फ्लोरिन भी वही काम करेगा ऑक्सीजन के साथ जो ऑक्सीजन ने किया किसके साथ, सल्फर के साथ, कर्मा। समझे? ऑक्सीजन ने जो काम सल्फर के साथ किया ना वही काम फ्लोरिन ऑक्सीजन के साथ करेगा और फ्लोरिन को नेगेटिव चार्ज मिलेगा और ऑक्सीजन को पॉजिटिव। हालांकि हमको पता है कि ऑक्सीजन तो एक नॉन मेटल है तो पॉजिटिव चार्ज कैसे मिलेगा, बट ऑक्सीजन के सामने एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा पावरफुल वाला नॉन मेटल आ गया ना, तो अगर दो नॉन मेटल आपस में लड़ रहे हैं तो जो ज्यादा नॉन मेटल वाला होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा और दूसरे से जाएगा मजबूरी में। यही चीज ना मेटल के साथ भी होती है, यही चीज मेटल के साथ भी होती है, क्योंकि दो मेटल आमने सामने आ गए तो दोनों इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएंगे, कोई एक ही कर पाएगा। जैसे जिंक और कॉपर का अपन पढ़ते थे ना कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक अपना दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, कॉपर को उसी के सॉल्यूशन से हटा देगा और कॉपर सल्फेट हट जाएगा, कॉपर बन जाएगा और जिंक बैठ के जिंक सल्फेट बना देगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगेन जिंक वॉज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन कॉपर। तो जैसे नॉन मेटल के बीच में ऐसे लड़ाई हो रही है वैसे मेटल के बीच में हो रही है, जो ज्यादा पावरफुल है वो डेफिनेटली वो लेस पावरफुल को हटाएगा ही, है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यहां भी वही हो रहा है। समझे क्या? चलो तो हेडिंग डालिए रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। पहला रूल लिखना, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन देयर रेस्पेक्टिव एलिमेंट्री स्टेट, इन देयर रेस्पेक्टिव एलिमेंट्री स्टेट, इन देयर रेस्पेक्टिव एलिमेंट्री स्टेट्स एंड एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, एंड एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। क्या हो गया? The oxidation number of all the atoms of different elements in their respective elementary states and allotropic forms is taken to be zero. Is taken to be zero. समझते इसका मतलब है ना? लिख तो लियो ना पूरा. Is taken to be zero. देखो इसका meaning समझते हैं. अभी धोखा क्यों हो रहा था? क्योंकि एक कम react कम मेटालिक था या कम नॉन मेटालिक था, दूसरा वाला ज्यादा नॉन मेटालिक था। अब ये समझो कि अगर P4 है फास्फोरस, तो अब तो P चारों अपने जैसे के साथ ही कंबाइंड है ना, तो अब वो तो सेम पावरफुल है ना, मतलब ऐसा तो ना कि एक P दूसरे P से ज्यादा पावरफुल होगा, सारे P हैं, सब एक जैसे होंगे, तो यहाँ पे अब इनके साथ धोखा नहीं होगा कि वो अपने तरफ ज्यादा खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग करके। यहाँ भी तो चार P आपस में कंबाइंड है ना एक दूसरे के साथ, इसको बोलते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। जैसे कार्बन का बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं नेचर में, कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में भी होता है, कार्बन डायमंड के फॉर्म में भी होता है, तो ये उनके एलोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं? विचार मतलब एक ही एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं नेचर में, तो एलोट्रॉप ग्रेफाइट एंड डायमंड्स आर द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। वैसे ही ना फॉस्फोरस भी रेड फॉस्फोरस होता है ना, ब्राउन फॉस्फोरस होता है, व्हाइट फॉस्फोरस होता है, सब है P4, बट सबकी थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्क होता है, बट वो होते हैं एलोट्रॉप्स, बने हुए हैं एक जैसे एलिमेंट से। ठीक है, तो इनमें क्या है, एक जैसे एलिमेंट है इसलिए सबका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जीरो, क्योंकि सब अपने जैसे है ना, तो कोई किसी के साथ भी धोखाधड़ी नहीं करेगा क्योंकि सब एक जैसे हैं, सब इक्वल पावरफुल है। Cl2 ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, सिंगल Na अकेला मेटल जीरो, ये सब कहलाती है उनकी एलिमेंट्री स्टेट, एलिमेंटल फॉर्म है ना ये सारे, कोई और एलिमेंट थोड़ा जुड़ा है वरना वो तो कंपाउंड बन जाता। ये सब क्या है, एलिमेंटल फॉर्म। एसेट सल्फर का फॉर्म, सल्फर किस फॉर्म में होता है, एसेट के फॉर्म में, तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है,
जीरो, जब तक वो कंबाइन नहीं हो रहे हैं ना तब तक उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। ये तो अपन ऊपर लिखे भी है कि कंबाइन होते हैं या अपीयर टू कंबाइन विथ अदर एटम। डेफिनेशन पढ़ो एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट का जल्दी से, कि इट इज द चार्ज विच एन एटम ऑफ द एलिमेंट हैज इन इट्स आयन और अपीयर्स टू हैव व्हेन प्रेजेंट इन द कंबाइंड स्टेट विद अदर एटम। यहां तो किसी का तो कंबाइन है ही नहीं अदर एटम के साथ, ये तो अकेले हैं, है ना, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होता है। एम आई क्लियर? चलो एग्जांपल लिखना इसमें फुल स्टॉप डाल के। फॉर एग्जांपल इन N2 नाइट्रोजन, वो भी वैसे ही है, कॉमा Cl2 क्लोरीन, कॉमा H2, कॉमा O2, कॉमा O3 ओजोन, कॉमा P4, कॉमा HE हीलियम, सारे नोबल गैसेस लिख सकते हैं अपन। हाँ सारे लिख सकते हैं, मैंने बोला ना, तो HE लिख लिए, कॉमा कार्बन C, ब्रैकेट में ग्रेफाइट और डायमंड भी लिख लो, कॉमा Na मेटल, कॉमा K पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम, जैसे अपन ने रिएक्शन लिख दिया Na प्लस O2 गिव्स Na2O, ध्यान देना इस रिएक्शन में, Na प्लस O2 गिव्स Na2O, ये भी अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, ये भी अपने एलिमेंटल फॉर्म में, यहां वो कंपाउंड बन गए, तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो और इसकी भी जीरो, यही लिख रहा है, समझे क्या? हाँ, अब जब वो कंबाइन होंगे ना तो सोडियम की टेंडेंसी है लूज करने की, ऑक्सीजन की टेंडेंसी है, यहां कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक तो चाह ही रहा है कि मैं लूज करूं और दूसरा चाह रहा है मैं गेन करूं, दिक्कत वहां जाती है जब दोनों को चाहिए या दोनों को नहीं चाहिए, तब किसी एक को मजबूरी में जिसको नहीं चाहिए उसको लेना पड़ता है और जिसको चाहिए उसको देना पड़ता है, समझ रहे क्या बोल रहा हूं? ठीक है, अभी यहां दिक्कत नहीं है क्योंकि एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल है, जब मेटल मेटल सामने आते हैं, जब नॉन मेटल सामने आते हैं ना, तब वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला दिक्कत होता है कि कौन पॉजिटिव होगा क्योंकि दोनों ही मेटल है, कौन नेगेटिव होगा, दोनों ही नॉन मेटल है। अब जैसे ऑक्सीजन के सामने फ्लोरीन आया ना तो ऑक्सीजन को मजबूरी में पॉजिटिव चार्ज लेना पड़ा क्योंकि फ्लोरीन उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है पूरी पीरियोडिक टेबल में, इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसके बाद सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन आता है, फिर क्लोरीन सल्फर ये सबके नंबर आते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इनके इंडिविजुअल इनका जो इंडिविजुअल अपन चार्ज निकालेंगे ना उसको ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे, पर इसके लिए अभी अपन ने रूल लिखा नहीं है, मैं लिखवाऊंगा उसके बाद फिर अपन इसमें आएंगे, इसके लिए रूल लिख चुके हैं। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मोनो एटॉमिक आयन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मोनो एटॉमिक आयन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मोनो एटॉमिक आयन, कैन यू गिव सम एग्जांपल ऑफ मोनो एटॉमिक आयन, मीनिंग समझ में आएगा तो एग्जांपल दे पाएंगे, H प्लस, और कुछ, और कोई क्या कार्बन क्या अपन चार्ज बोल रहे हैं, मोनो एटॉमिक आयन Na पॉजिटिव और Li पॉजिटिव। ठीक है, तो मोनो एटॉमिक का मतलब क्या हुआ, मोनो मतलब सिंगल, सिंगल एटम के ऊपर चार्ज है उसको मोनो एटॉमिक बोलते हैं, और एक क्या पढ़ते थे हम पॉलीएटॉमिक, जैसे मैंने आपको जो शुरू में सल्फेट बताया ये पॉलीएटॉमिक है, कितने एटम है इसमें, पांच, चार ऑक्सीजन के एक सल्फर का, OH नेगेटिव, ये भी पॉलीएटॉमिक की कैटेगरी में आ जाएगा, दो एटम है इसमें, समझ रहे ना, तो अ ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक, अ सिंगल एटम हैविंग चार्ज इज कॉल्ड मोनोएटॉमिक। तो अपन ये रूल लिख रहे हैं कि मोनोएटॉमिक आयन का जो चार्ज होता है ना वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर, सिंपल, ठीक है, ओके, लिखेंगे, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मोनो एटॉमिक आयन इज सेम एज द चार्ज ऑन इट, इज सेम एज द चार्ज ऑन इट, जो उनका चार्ज वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, एग्जांपल लिख लो, Na पॉजिटिव का प्लस वन, Mg2 पॉजिटिव का प्लस टू, Al3 पॉजिटिव का प्लस थ्री, फिर
सीएल नेगेटिव का माइनस वन, ओ टू नेगेटिव का माइनस टू, एन थ्री नेगेटिव का माइनस थ्री, सब मोनोटॉमिक आयन है और जो उनका चार्ज है वही उनका ऑक्सीडेशन है। ठीक है, चले रूल नंबर थ्री। रूल नंबर थ्री, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज प्लस वन, इज प्लस वन व्हेन कंबाइंड विथ नॉन मेटल्स, व्हेन कंबाइंड विथ नॉन मेटल्स। देखो हाइड्रोजन तो दोनों है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी है, एच प्लस भी बनता है, और इलेक्ट्रो नेगेटिव है, एच नेगेटिव भी बनता है, हाइड्राइड है ना, दोनों हो सकता है ना, आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करके एच प्लस भी बन सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके एच नेगेटिव भी बन सकता है, तब कहलाएगा एच पॉजिटिव आयन और अभी कहलाएगा हाइड्राइड आयन। नेगेटिव वाले में तो नाम चेंज कर देते हैं ना, हाइड लगा देते हैं या एट लगा देते हैं या आइट लगा देते हैं, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, जैसे हाइड्राइड, तभी तो बोलते हैं हाइड्रोजन का पोजिशन आज भी सही नहीं है टेबल में, हम रख देते हैं उसको पहले कॉलम के ऊपर में ना, लिखा होगा आपने टेबल, बट एक्चुअली इट ऑल्सो बिहेव्स लाइक ग्रुप नंबर 17, हैलोजन जैसा भी है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसा है, उनके जैसा फॉर्मुला बनाता है एच टू, उनके जैसा आयन बनाता है एच नेगेटिव, जैसे वो बनाते हैं सीएल नेगेटिव, एफ नेगेटिव, आई नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, उनके जैसी इसकी वैलेंसी है, इसकी वैलेंसी वन है, उन सबकी वैलेंसी भी वन है, तो उनके जैसा भी ये बहुत सारी प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए कंफ्यूजन था कि हाइड्रोजन को रखे कहां, फर्स्ट ग्रुप में मेटल के साथ रख दें कि 17th ग्रुप में नॉन मेटल के साथ रखे, तो वो भी आज के टेबल का ड्रॉबैक है कि द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इज स्टिल नॉट जस्टिफाइड कि आपने वहीं क्यों रखा है, क्योंकि वो कुछ प्रॉपर्टीज हैलोजन जैसी भी शो कर रहा है, तो व्हाई नॉट अबव हैलोजन, समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये दोनों बना सकता है, H पॉजिटिव भी और H नेगेटिव भी, पर H पॉजिटिव कब बनाएगा, जब उसके सामने कोई ज्यादा नॉन मेटालिक वाला है, और सारे नॉन मेटल के सामने ना वो सबसे कम नॉन मेटालिक है, सारे नॉन मेटल के सामने हाइड्रोजन सबसे कम नॉन मेटालिक है, क्योंकि उसके पास तो डुअल कैरेक्टर है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी और वो इलेक्ट्रो नेगेटिव भी है, तो इसलिए जितने भी नॉन मेटल कंबाइन करेगा, HCl, HF, HBr, H2O, इन सब में H का चार्ज क्या होगा, प्लस वन, क्योंकि सामने कौन है, नॉन मेटल, पर जैसे ही मेटल के सामने आया ना तो वो नेगेटिव हो जाएगा, समझ रहे हैं? NaH, NaH सोडियम हाइड्राइड, अब ये माइनस वन हो जाएगा तो इसको क्या मिलेगा, प्लस वन, ऐड करके जीरो आना चाहिए क्योंकि ये कंपाउंड है, कंपाउंड आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो H का प्लस वन माइनस वन में स्विंग होता रहेगा, हमें देखना है कि सामने वाला कौन है, अगर सामने एक नॉन मेटल है तो प्लस वन ले लो, तब अपना दादागिरी नहीं दिखा पाएगा हाइड्रोजन, और जैसे ही कोई मेटल आएगा तो वो माइनस, ठीक है, तो क्या लिख रहे हैं, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज प्लस वन व्हेन कंबाइंड विथ नॉन मेटल एंड इज माइनस वन व्हेन कंबाइंड विथ एक्टिव मेटल, लिखना है एक्टिव मेटल्स, एक्टिव मेटल्स, उन्हीं को हम मेटल हाइड्राइड्स बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख भी लेना, मेटल हाइड्राइड्स, मेटल हाइड्राइड्स, ठीक है, चलो एक और रूल लिखना, ऑक्सीजन के लिए भी एक रूल लिखते हैं अपन, जैसे हाइड्रोजन का अपन ने रूल लिखा, अब जहां भी हाइड्रोजन हमको दिखेगा वहां प्लस वन माइनस वन अपन लगा सकते हैं देख करके कि सामने कौन है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट फोर्थ रूल लिखेंगे, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज माइनस टू इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स, ऑक्साइड आयन है ना, ऑक्साइड आयन कैसे बनेगा, O2 नेगेटिव, कैसे बना ऑक्साइड आयन, ऑक्सीजन के पास 2.6 दो इलेक्ट्रॉन गेन किया इसने तो बन गया O2 नेगेटिव, ठीक है, जैसे Na पॉजिटिव कैसे बना था, Na पॉजिटिव एक लूज करके,
एमजी कैसे बना था, एमजी टू पॉजिटिव दो लूज करके, है ना, ये सारे कैसे बने हैं नेगेटिव, इसने एक गेन किया, इसने दो गेन किया, इसने तीन गेन किया, अकॉर्डिंगली इनको ऑक्टेट कंप्लीट करना था ना, तो क्लोराइड के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन से काम चल जाता क्योंकि 17 है ना, आपकी शेल में 7 है, एक लिया 18 हो गए, आपकी शेल में 6 है, दो लिया 8 हो गए, आपकी शेल में 5 है, तीन लिया 8 हो गए, समझ रहे, अकॉर्डिंगली 1, 2, 3 नेगेटिव, ओके। तो ऑक्सीजन इज -2 इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड्स एक्सेप्ट इन फ्लोरीन के साथ तो पॉजिटिव में चला जाएगा, एक्सेप्ट इन एक्चुअली ऑक्साइड्स भी बनाता है हाइड्रो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन परऑक्साइड भी बनाता है, ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड भी बनाता है, ऑक्सीजन तीन तरीके से ऑक्साइड्स बनाता है, एक सिंपल ऑक्साइड्स, परऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स, तो परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड के केस में उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं रहेगा, माइनस में ही रहेगा बट -2 नहीं रहेगा, और प्लस तो तब जाएगा जब फ्लोरिन आ जाएगा सामने, क्योंकि उससे ज्यादा और इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई है नहीं, तो ऑक्सीजन उसी के सामने झुकेगा बस, बाकी सबके सामने तो वो माइनस में ही रहेगा, बट वो -2 रहेगा कि -1 रहेगा वो डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से कंबाइन कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ ही वो -2 भी है और हाइड्रोजन के साथ ही उसका वैल्यू कुछ और भी हो सकता है, देखो कैसे, एक होता है H2O वाटर, यहाँ पे वो ऑक्साइड है, आप इसको हाइड्रोजन ऑक्साइड भी बोल सकते हो, पर अपन कॉमनली क्या बोलते हैं, वाटर, और ये है H2O2 परऑक्साइड। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, H तो नॉन मेटल के सामने है ना, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट अभी अपन पीछे देखे क्या होगा, करेक्ट। अब एक रूल जो अभी मैंने लिखा नहीं है बट मैंने आपको बताया ना कि ये न्यूट्रल होता है मॉलिक्यूल, तो इसका ओवरऑल चार्ज 0 है, इसका भी ओवरऑल चार्ज 0 है, तो हम इसका निकाल सकते हैं ना अननोन का, ऐड कर दो सबको, इसको एक्स ले लो, इसका क्या ले लो एक्स, और सबको ऐड करके 0 से इक्वेट कर दो, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि 2 × 1, ये कहां से आया 2 × 1, दो हाइड्रोजन है ना और दोनों का +1 है, तो 2 × 1 होगा +x = 0, तो यहां से आया -2 जो हमने अभी लिखा है ऑक्साइड। अब परऑक्साइड का देखते हैं, अरे 2 × 1 ये तो अभी भी उतना ही है, और यहां पे 2x = 0, तो x कितना आएगा यहां पे -2, समझ रहे ना, तो परऑक्साइड जब हाइड्रोजन बनाए ऑक्सीजन बनाएगा तब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, ये तरीका होता है निकालने का एक मॉलिक्यूल में, एड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एंड इक्वेट इट टू 0, तो अननोन वाले का आ जाएगा, और कुछ नोन वाले का तो हम रूल्स लिख ही रहे हैं ना, जैसे हाइड्रोजन का लिख लिया अभी हमने, अब ऑक्सीजन का लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, चलो तो क्या लिखे, एक्सेप्ट इन परऑक्साइड लाइक H2O2 कॉमा BaO2 बेरियम परऑक्साइड, इट इज -1 कॉमा डाल के इट इज -1, आपको चाहिए तो ये लिख सकते हो इतना, हाँ दोनों लिख लो, हाँ ऑक्सीजन, हाँ देखिए दोनों ही केस में फ्लोराइड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा ही, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की टेंडेंसी ही होती है, ये वॉल्यूम 1 हो गया, फिर रखा है ये वॉल्यूम 2, चला लाया, लिख लिए हाँ, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना, इन सुपर ऑक्साइड्स नहीं, इसी पॉइंट में ही अपन ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे हैं ना अभी, इन ऑक्साइड का हो गया -2, परऑक्साइड का हो गया -1,
इन सुपर ऑक्साइड्स लाइक KO2, ऐसे तो ऑक्साइड K बनाता है K2O, जैसे Na बनाता ना Na2O, तो ऑक्साइड K बनाता है K2O टाइप का, बट KO2 बन रहा है मतलब सुपर ऑक्साइड है, कॉमा RbO2, Rb मतलब रुबिडियम, RbO2 ये आपके फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, लिथियम, उसके ऊपर हाइड्रोजन, उसके नीचे सोडियम, उसके नीचे पोटेशियम, है ना, उसके नीचे आएगा रुबिडियम, फिर आता है सीशियम और फिर आता है फ्रांशियम। इसको याद रखने का तरीका होता है एलिना की रब से फरियाद, एलिना नाम की लड़की होगी वो रब से फरियाद कर रही है, ठीक है, केमिस्ट्री पास करा दो, ठीक है, हेलिना की रब से फरियाद, ये ग्रुप नंबर वन हो गया हमारा, ऐसे 18 ग्रुप है, तब जाके पूरी पीरियोडिक टेबल खत्म हो गई है ना, ऐसे याद नहीं करना हमें, इतनी जरूरी नहीं है, हाँ वो आप अपने आप से आप लोग ट्रिक बना सकते हो, बट मेरे हिसाब से पूरा टेबल अभी ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, जितना नेसेसरी है हम याद करेंगे। कहीं कुछ लिखा होगा, कुछ तो पढ़ा रहे होंगे ना, नहीं देखते कुछ, चलो हाँ इसका निकालो तो बताओ तो मेरे को, सुपर ऑक्साइड का क्या होगा इन KO2 RbO2 क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंने आपको निकालना बता दिया है ना, निकालो KO2, आप बताओ पोटेशियम कितना होगा, हाँ तो क्या करेगा, एक लूज करेगा ना इलेक्ट्रॉन, तो प्लस वन होगा इसका हमेशा, जैसे सोडियम का प्लस वन होता है वैसे इसका भी प्लस वन होगा, और इसको एक्स ले लो तो 1 + 2x = 0, तो एक्स क्या आएगा -1/2। हाँ फ्रैक्शन देखो, अब फ्रैक्शन वाले का मैं आपको एक और पॉइंट बताऊंगा कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, देखना कि फ्रैक्शन का कंसेप्ट क्या, क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन तो लॉस गेन नहीं होता ना, या तो इलेक्ट्रॉन पूरा जाएगा या तो नहीं जाएगा, आधा इलेक्ट्रॉन कैसे करो, इलेक्ट्रॉन को और आधा नहीं कर सकते ना, तो इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होता है, पर जब दोनों का एवरेज निकालते तो वो फ्रैक्शन में आता है, समझ गए, मतलब यहाँ पे दोनों का अलग अलग होगा, 2 ऑक्सीजन है ना, तो दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होगा, पर जब आप दोनों को ऐड करके एवरेज निकालोगे, जैसे मैथ्स में आप एवरेज निकालते हो, दो नंबर को ऐड करके डिवाइड बाय 2 इज द एवरेज, तो वो आएगा -1, ठीक है, अपन देखेंगे उसके वाले भी कंसेप्ट वाले कुछ ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं, ठीक है, इतना लिखो ना, इट इज -1 लाइक KO2 RbO2 एक्सेट्रा, इट इज -1/2, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये लिख लो, ठीक है, चलो फ्लोरीन वाला अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, पर फ्लोरीन वाला क्या हमको पता है, वो क्या होने वाला है पॉजिटिव, वो क्या होने वाला है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर का, ठीक है, चलो थैंक यू, इसी लिंक में रहना, फिजिक्स क्लास इसी में होगी है ना।